जमुई जिलाधिकारी अवनीश कुमार सदर अस्पताल पहुंचे। यहां उन्होंने सिविल सर्जन विजेंद्र सत्यार्थी, डीएस डॉक्टर सैयद नौशाद अहमद समेत अन्य पदाधिकारियों के साथ घूम घूम कर पूरे सदर अस्पताल का जायजा लिया। साथ ही संबंधित अधिकारियों से सदर अस्पताल के वर्तमान हालात से अवगत हुए। इस दौरान जिलाधिकारी अवनीश कुमार ने सदर अस्पताल के ओपीडी, आंख विभाग, दांत विभाग, एक्सरे कक्ष का निरीक्षण किया। इसके बाद दवा काउंटर, इमरजेंसी वार्ड, कंट्रोल रूम, डॉक्टर ड्यूटी रूम का बारी बारी से जायजा लिया। साथ ही ऑपरेशन थिएटर और प्रसव कक्ष की भी अधिकारियों से विस्तार पूर्वक जानकारी ली। सदर अस्पताल जमुई का मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया और जो उपलब्ध सुविधाएं हैं और उनका जायजा लिया गया। तो प्रथम दृष्टया जो भी मेडिकल पार्ट में और इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट में काम करने की आवश्यकता है उसके बारे में विस्तार पूर्वक सिविल सर्जन महोदय, हमारे जो भी चिकित्सकगण हैं, सभी के साथ विचार विमर्श किया गया और हम लोगों ने एक योजना बनाई है। और हम लोगों का प्रयास होगा कि आगामी 6 माह में जो भी चीज़ें आज हम लोगों ने डिस्कशन के क्रम में लगभग निर्धारित की हैं उनको मूर्त रूप दिया जाए और वो धरातल पर उतर सके। सर, यहाँ अल्ट्रासाउंड नहीं है बहुत दिनों से और इसमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है मरीज लोगों को, बाहर जाती है करवाने के लिए, खासकर गर्भवती, उसके लिए अल्ट्रासाउंड बहुत दिनों से यहाँ बंद है, उसके लिए क्या कुछ नहीं? इसका हम लोग समीक्षा कर लेते हैं और अल्ट्रासाउंड व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए और जो भी महिलाएं हैं उनको यह व्यवस्था आसानी से सुगमतापूर्वक। सीजेरियन भी सर यहाँ बहुत दिनों से नहीं हो रहा है, डॉक्टर नहीं है बेहोशी का। नहीं, सीजेरियन के बारे में मैंने जानकारी प्राप्त की है तो लगभग बताया गया है कि प्रत्येक माह काफ़ी संख्या में, पर्याप्त मात्रा में सीजेरियन का ऑपरेशन यहाँ पर किया जाता है और इसमें हमारी रैंकिंग अच्छी है। फिर भी आप कह रहे हैं तो इसको हम लोग पुनः एक बार देख लेंगे। एक सर, सबसे बड़ी चीज़ है सर कि आए दिन हॉस्पिटल में आग लगने की बहुत सारी घटना हो चुकी है और भी जिले में। यहाँ SNCU बना है, बहुत ही ज़्यादा छोटा है सकरा और उसमें इमरजेंसी निकास नहीं है, इसके लिए। हाँ, इस बिंदु पर हम लोगों ने डिस्कशन किया है तो फायर की व्यवस्था यहाँ पर हम लोग कराएंगे, फायर इक्विपमेंट्स यहाँ पर लगाए जाएंगे और SNCU है छोटा तो इसके एक्सटेंशन के प्रपोजल पर चर्चा हुई है। तो जो वर्तमान SNCU है इसके बगल में एक बिल्डिंग है, वहाँ पर हम लोगों का प्रयास होगा कि एक्सटेंशन करते हुए और SNCU पार्ट 2 या जो भी आप कह लें उसका एक स्टैंडर्ड वर्जन हम लोग बनाएं। उन्होंने अधिकांश समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द करने की बात कही, साथ ही पदाधिकारियों को साफ सफाई पर विशेष ध्यान रखने का निर्देश दिया। पंजाब केसरी टीवी के लिए जमुई से ब्रिज मोहन की रिपोर्ट।